और अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में 23 सीटें जीतने का दावा किया है। जी न्यूज से बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष ने ममता बनर्जी की तुलना शुतुरमुर्ग से की। शाह ने कहा कि ममता को अपनी हार साफ तौर पर नजर आ रही है। जनता जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण को नकार चुकी है। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बंगाल में श्रीराम के भक्तों को गाली और जेल मिलती है। मोदी जी के लिए बंगाल की जनता में जिस प्रकार का, मैं क्रेज का शब्द प्रयोग करूंगा तो भी गलत नहीं होगा, एक प्रकार का क्रेज देखा है मैंने, और ये वोट में भी कन्वर्ट होगा, सीट में भी कन्वर्ट होगा। जब शुरुआत हुई थी तो मिशन 23 से आपने शुरुआत की, 5 चरणों के बाद लग रहा है कि यह नंबर बढ़ेगा। हाँ, जरूर बढ़ेगा। तो फिर दीदी का तो पीएम का सपना है, फिर वो कैसे पूरा होगा सर? हर एक व्यक्ति को डेमोक्रेसी में सपने देखने का तो अधिकार रहता ही है।